नहीं, प्रधान शिक्षक बहाली का जो प्रक्रिया होना है उसमें आपका 75 अंक का डीएलएड से सवाल पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग डीएलएड में कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, उसके पहले क्वेश्चन शुरू करें, कुछ बाल अधिकार के संदर्भ को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और एज ए शिक्षक मैं कहूँगा कि ये जो बाल अधिकार है इसका नियम जो है वो सभी शिक्षक को जानना भी चाहिए। तो देखिए, बाल अधिकार नाबालिग बालकों की देखभाल एवं विशेष सुरक्षा के रूप में बच्चों को प्रदान किए जाने वाला व्यक्तिगत अधिकारों को कहा जाता है। याद रखिएगा कि बाल अधिकार किसे कहते हैं, तो बाल अधिकार जो है नाबालिग बालकों को देखभाल एवं विशेष सुरक्षा के रूप में बच्चे को प्रदान किए जाने वाला एक व्यक्तिगत अधिकार है। वहीं बाल अधिकार 1989 की परिभाषा के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, याद रखिएगा कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, जब तक कि नियम में परिभाषित वयस्कता को पहले प्राप्त नहीं किया हो वह बच्चा कहलाएगा। तो याद रखिएगा 18 साल से कम उम्र, नाबालिग की बात हो रहा है, तो 18 वर्ष से कम जितने भी बच्चे होंगे, 18 वर्ष से कम जितने भी बच्चे होंगे हम उसे नाबालिग कहेंगे, हम उसे बालक कहेंगे, हम उसे बच्चा कहेंगे। हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बने जिन कानूनों को स्वीकार किया गया है उसके अंतर्गत निर्धारित मानक और अधिकारों को पाने का अधिकार उन सभी व्यक्तियों को है जिनकी उम्र जो है 18 वर्ष से कम है। और भारतीय संविधान में वर्णित कुछ महत्वपूर्ण बाल अधिकार दिए गए हैं जिसे जानना बहुत आवश्यक है। तो जानिए क्या क्या है उसमें। भारतीय संविधान में कुछ महत्वपूर्ण बाल अधिकार वर्णित किए गए हैं तो उसे जानना अति आवश्यक है। तो समझते हैं कि क्या क्या हमारे भारतीय संविधान में है। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान में सभी बच्चों के लिए कुछ विशेष अधिकार का प्रावधान है जो इस प्रकार है। तो याद रखेंगे 14 वर्ष की कम उम्र तक के बच्चे को किसी भी जोखिम वाले कार्य से सुरक्षा का अधिकार। याद रखिएगा उम्र सीमा कितना है, 14 वर्ष। तो 14 वर्ष से अगर कम के बच्चे हैं तो किसी भी प्रकार से जोखिम वाला कार्य जो है उसे कोई भी नहीं ले सकता है, या वो निजी हो या फिर सरकारी हो। ये हमारा अनुच्छेद 24 में वर्णित है। वहीं 6 से 14 वर्ष की आयु समूह वाले सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। याद रखेंगे, ये तो सभी जानते भी होंगे कि 6 से 14 वर्ष के आयु समूह वाले सभी बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, जो हमारा अनुच्छेद 21A में है। याद रखेंगे कौन सा अनुच्छेद में है, तो 21A में वर्णित है। वहीं अगर बात करें समान अवसर व सुविधा का, तो समान अवसर व सुविधा का अधिकार जो उन्हें स्वतंत्र एवं प्रतिष्ठापूर्ण माहौल प्रदान करे और उनका स्वस्थ रूप से विकास हो सके, साथ ही नैतिक एवं भौतिक कारणों से होने वाले शोषण से सुरक्षा का अधिकार है। ये हमारे संविधान में अनुच्छेद 39A में वर्णित है। आगे देखिए क्या है, आर्थिक जरूरतों के कारण जबरन ऐसे कामों में भेजना जो उनकी आयु या क्षमता के उपयुक्त नहीं है। गौर कीजिएगा क्या कह रहा है कि आर्थिक जरूरतों के कारण जबरन ऐसे कामों में भेजना जो उनकी आयु या क्षमता के उपयुक्त नहीं है उससे सुरक्षा का अधिकार बच्चे को मिला हुआ है। अब जबरन जो है आर्थिक स्थिति सुधार के लिए या पैसे के लिए आप आयु से हटकर या उसके कैपेसिटी से हटकर के उसे कोई भी काम आप नहीं करवा सकते हैं। अगर करवाते हैं तो आप एक अपराध कर रहे हैं जो अनुच्छेद 39E में वर्णित है और उसके अनुसार आपको फिर सजा भी मिल सकती है। इसके साथ साथ बालकों को देश के वयस्क स्त्री पुरुष की भांति कुछ अन्य सामान्य अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। तो वो कौन कौन से अधिकार है वो समझिएगा। पहला आपका है समानता का अधिकार। याद रखिएगा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में वर्णित है और ये समानता का अधिकार बच्चों को भी है और बड़ों को भी है, अर्थात वयस्कों को भी है। और वहीं भेदभाव के विरुद्ध अधिकार ये अनुच्छेद 15 में वर्णित है और ये भी वही चीज़ है कि वयस्क को भी अनुच्छेद 15 के तहत में ही अधिकार मिला हुआ है और बच्चों को भी अनुच्छेद 15 के अनुसार जो अधिकार जो है कि भेदभाव नहीं कर सकता है वो मिला हुआ है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून की सम्यक प्रक्रिया अनुच्छेद 21 में वर्णित है। वहीं जबरन बंधुआ मजदूर रखने के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार अनुच्छेद 23 में वर्णित है। इसमें भी वही चीज़ है, आपको बालक को भी है और वयस्क को भी, दोनों को जबरन आप बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते हैं। यह आपका संविधान में अनुच्छेद 23 में वर्णित किया गया है। और आगे देखते हैं सामाजिक
सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से समाज के कमजोर तबकों को सुरक्षा का अधिकार भारत में सभी बच्चों के लिए वास्तविक मानव अधिकार के पुनर्विचार हेतु प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को बाल अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखेंगे, बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल अधिकार दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे समझिएगा, बाल अधिकारों के अनुसार बचपन अर्थात उनके शारीरिक और मानसिक अपरिपक्वता के दौरान अभिभावकों का यह परम दायित्व है। ये किसका है? अभिभावक का बात कर रहा है कि अभिभावकों का यह परम दायित्व है कि वे उचित रूप से बच्चों की कानूनी सुरक्षा, देखभाल और संरक्षण करें। अगर नहीं करता है तो अभिभावक भी इसके दुश्वार हो जाएंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण बाल अधिकारों का बात था जो हमारे भारतीय संविधान में वर्णित है। चलिए डीएलएड का आज पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, विद्यालय का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन दिया हुआ है नैतिक विकास, शारीरिक विकास, चारित्रिक विकास और चौथा ऑप्शन ये सभी। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, उम्मीद है कि सबको पता ही होगा और सब जवाब दे भी चुके होंगे। तो याद रखिएगा, बिल्कुल सही आपका आंसर है, ये सभी। इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, अर्थात विद्यालय में हम बच्चों का नैतिक विकास, शारीरिक विकास और चारित्रिक विकास, सभी तरह के विकास को हम करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आंगनबाड़ी स्कूल में बच्चे किस आयु वर्ग के होते हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 3 से 6 वर्ष, 6 से 8 वर्ष, 1 से 2 वर्ष और चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है 9 वर्ष। तो इसका आंसर उम्मीद है कि सबको पता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 3 से 6 वर्ष। याद रखिएगा, आंगनबाड़ी स्कूल में बच्चे किस आयु वर्ग के होते हैं, तो 3 से 6 वर्ष। एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो याद रखिएगा, अभी FLN पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, तो इससे रिलेटेड कुछ भी टॉपिक अगर मिलता है तो ज़रूर इसे पढ़ लेंगे। FLN जिसका फुल फॉर्म होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। इसमें क्या है तो याद रखेंगे कि 2026-27 या अगर सीधा अगर बात करें तो 31 मार्च 2027 तक वर्ग 3 तक के बच्चे, या उम्र में अगर बोले तो उम्र हो जाएगा आपका 9 वर्ष तक के बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को हासिल करना, अर्थात 45 से 60 वर्ड प्रति मिनट। कितना? 45 से 60 वर्ड प्रति मिनट बच्चे जो हैं अर्थ के साथ समझकर किताब को पढ़ सके, अर्थात भाषा को रीडिंग कर सके। समझिएगा, इसमें 6 वर्ष तक बच्चों के साथ अच्छे से काम करना है। तो ये 6 वर्ष किस तरह से काउंट होंगे वो समझिएगा। आपका आंगनबाड़ी का है जिसमें उम्र सीमा आप देख रहे हैं कि 3 वर्ष से 6 वर्ष, तो यहाँ पर से 3 वर्ष से 6 वर्ष अर्थात 3 साल हो गया। और 6 वर्ष जब बच्चा स्कूल में एडमिशन ले लेगा पहला क्लास में, तो पहला क्लास, दूसरा क्लास और तीसरा क्लास, तो इधर आपका हो गया 3 वर्ष। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया? तो 3 आंगनबाड़ी में और 3 वर्ष स्कूल में, कुल मिलाकर के 3 और 3 6 वर्ष। ये 6 वर्ष जो है वो आपका बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन पर काम करने का एक लक्ष्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? यहाँ आपका ऑप्शन दिया हुआ है, प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, उसे डांटेंगे, उससे बातचीत करेंगे और चौथा ऑप्शन उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो सोचिए आप क्या कर सकते हैं। एक एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और सोचने का प्रयास कीजिए कि क्या हो सकता है। जैसे पहला ऑप्शन आपको जो दिया हुआ है कि प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, तो क्लास में आप पढ़ा रहे होते हैं और कुछ सिचुएशन होते हैं, तो इस तरह के सिचुएशन के लिए आप हेडमास्टर के पास जाएं और ऐसे भी हर छोटे मोटे बात को लेकर के हेडमास्टर को आप शिकायत करेंगे, तो ये कहीं से भी प्रासंगिक बात नहीं है। दूसरा ऑप्शन, उसे डांटेंगे। RTE एक्ट 2009 जो डांटने या मारने या किसी प्रकार से प्रताड़ित करने से आपको रोकता है, इसमें साथ ही आपका पॉक्सो एक्ट भी है, उससे भी आप इसमें ध्यान रखेंगे आप डांट नहीं सकते हैं। तीसरा ऑप्शन को छोड़ करके मैं चौथा ऑप्शन में जाता हूँ, उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। बच्चे आपके विद्यालय में आ रहे हैं तो पूर्ण जवाबदेही आप हैं, पूर्ण रूप से जिम्मेदारी आपकी है, उस बच्चे को हम कैसे सुधार करें, तो चौथा ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। तो आपका जो ऑप्शन है सी, उससे बातचीत करेंगे, तो ये आपका सटीक आंसर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उससे
बातचीत करेंगे, अर्थात आप शिक्षक हैं और उस बच्चे से बातचीत करेंगे और उसकी समस्या को समझने का प्रयास कर उसे हल करने का प्रयास करेंगे। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उससे बातचीत करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, उम्मीद है कि सबको इसका आंसर पता होगा। व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है। आपका यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, सीखना, सोचना, क्रिया करना, कल्पना करना। तो इसका आंसर दीजिए, मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सीखना। याद रखिएगा व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उसे सीखना कहा जाता है, अर्थात यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिकम को सहायता नहीं मिलती है। क्वेश्चन फिर से समझिएगा, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है अनुकरण, दूसरा है अभिप्रेरणा, तीसरा है स्कूल का बस्ता और चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है पुरस्कार। तो सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर जरूर बताइए। और सबसे आग्रह करूंगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नया वीडियो जब भी लेकर के आऊँ तो आप तक ये पहुँच सके, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्कूल का बस्ता। याद रखिएगा अनुकरण करने से बच्चा जो है वो सीखते हैं, अभिप्रेरणा से भी बच्चे जो हैं वो सीखते हैं, पुरस्कार देने से भी बच्चे जो हैं वो सीखते हैं, और स्कूल का जो बस्ता है इसे अधिगम का कोई भी लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कूल का बस्ता, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा चीज़ है जो शिशु के अधिगम में सहायता नहीं करता है, सहायता नहीं पहुंचाता है। तो अनुकरण होगा, अभिप्रेरणा होगा, पुरस्कार होगा और स्कूल का बस्ता नहीं होगा, अर्थात इसका आंसर स्कूल का बस्ता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे VBI कर लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार की सोच का विकास बच्चों में अस्थायी ज्ञान प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन माना जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है अनुभव के आधार पर सोच, प्रत्ययों के आधार पर सोच, कल्पना के आधार पर सोच और रुचि और जिज्ञासा के आधार पर सोच। तो इसका आंसर क्या है, आप लोग सोचिए कि क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, अनुभवों के आधार पर सोच। याद रखिएगा कि किसी भी प्रकार की सोच का विकास बच्चों में अस्थायी ज्ञान प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन जो है वो अनुभव को माना गया है। अगर हम अनुभव से कोई चीज़ को सीखते हैं तो मेरे मन मस्तिष्क में वो काफ़ी लंबे समय तक रह सकता है, घर कर सकता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अनुभव के आधार पर सोच। अगला क्वेश्चन है, मेकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। ऑप्शन दिया हुआ है आपका 1831 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में, 1835 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन आपका 1836 ईस्वी में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, मेकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था 1835 ईस्वी में, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे याद जरूर कर लीजिएगा। विलियम बेंटिक ने अपनी शिक्षा नीति कब घोषित की थी। क्वेश्चन है, विलियम बेंटिक ने अपनी शिक्षा नीति कब घोषित की थी। ऑप्शन आपका दिया हुआ है 1834 ईस्वी में, 1835 ईस्वी में, 1836 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन आपका 1837 ईस्वी में। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1835 ईस्वी में। याद रखिएगा मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था 1835 में ही, और विलियम बेंटिक ने अपनी शिक्षा नीति कब लागू की थी, कब घोषित की थी, 1835 ईस्वी में। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, दोनों को क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखिएगा। मेरे द्वारा भेजे YouTube चैनल में अगर आपको लिंक जो है ब्लू के जगह में अगर ब्लैक दिखाई देता है तो सबसे पहला काम कीजिएगा कि मेरे नंबर को आप सेव कर लीजिएगा, उसके बाद जो लिंक जो है वो ऑटोमेटिक ब्लू हो जाएगा और उस ब्लू लिंक में क्लिक करके आप वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को पाठ पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा और चौथा ऑप्शन आपका अभिभावक के द्वारा। सूची की इसका आंसर क्या होगा, प्राथमिक विद्यालयों में प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे को निःशुल्क पुस्तक जो मिलती है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो याद रखिएगा
राज्य सरकार के द्वारा, अर्थात प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे को निशुल्क जो किताबें दी जाती हैं वो राज्य सरकार द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राज्य सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इससे हल्का क्वेश्चन हो भी नहीं सकता है। जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है आपका डाइट, NCERT, BRC और चौथा ऑप्शन आपका सीमेट। तो इसका आंसर क्या होगा जरा सोच करके बताइए। उम्मीद है कि सबको सही सोचे होंगे और सही जवाब दिए होंगे। तो जिला स्तर का सर्वोच्च अकादमिक संस्था जो होता है उसे हम डाइट कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डाइट। और यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है NCERT, BRC और सीमेट, तो याद रखिएगा NCERT आपका हो गया राष्ट्र स्तर का, BRC तो आप जानते हैं ये ब्लॉक स्तर का हो गया, और सीमेट जो है ये राज्य स्तरीय होता है। यहाँ बात हो रही थी जिला का, तो जिला स्तर का जो सर्वोच्च अकादमिक संस्था जो है वो आपका डाइट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वाद विवाद प्रविधि के खोज करता है, यहाँ ऑप्शन आपका दिया हुआ है हेरी आवर स्ट्रीट, डाल्टन, फ्रोवेल और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जवाब सोचिए कि क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो याद रखिएगा वाद विवाद प्रविधि के खोजकर्ता जो हैं वो है आपका ऑप्शन ए, हेरी ए आवर स्ट्रीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे VVI कर लीजिएगा। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है बिल्ली पर, कुत्ते पर, शेर पर और चौथा ऑप्शन आपका गाय पर। तो याद रखिएगा थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग जो है वो बिल्ली पर किया था, यहाँ ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है बिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन है आपका व्याकरण में, निबंध में, गद्य शिक्षण में और चौथा ऑप्शन आपका पद्य शिक्षण में। तो सोचिए इसका आंसर क्या होता है, आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ। चलिए याद रखिएगा आगमन विधि का प्रयोग जो है वो ज़्यादातर आपका व्याकरण शिक्षण में किया जाता है, अर्थात यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, व्याकरण शिक्षण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है, यहाँ ऑप्शन आपका दिए हुए हैं सृजनात्मकता, प्रत्यक्षीकरण, प्रक्षेपण, उदात्तीकरण। तो इसका आंसर सोचिए जरा क्या हो सकता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सृजनात्मकता। याद रखिएगा वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है सृजनात्मकता कहलाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पावलोव ने अपना प्रयोग किया था कुत्ते पर, चूहे पर, भालू पर और हिरण पर। तो इसका आंसर सोचिए कि क्या होगा। पावलोव ने अपना प्रयोग किया था, तो याद रखिएगा पावलोव ने अपना प्रयोग जो है वो कुत्ते पर किया था, ऑप्शन ए यहाँ पर दिया हुआ है कुत्ते पर। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, पावलोव ने अपना प्रयोग किया था, तो याद रखिएगा पावलोव ने अपना प्रयोग जो है कुत्ते पर किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही छोटा क्वेश्चन लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लू प्रिंट है, ऑप्शन दिया हुआ है आपका प्रश्न पत्र की आधारशिला, शिक्षण की आधारशिला, सी ऑप्शन आपका विद्यालय की आधारशिला और अंतिम ऑप्शन आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ब्लूप्रिंट जो हम लोग बनाते हैं वो प्रश्न पत्र को बनाने के पहले तैयार किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न पत्र की आधारशिला। ब्लूप्रिंट क्या है, तो प्रश्न पत्र की आधारशिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भाषाई कौशल का प्रथम चरण है लिखना, पढ़ना, बोलना और चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है सुनना। केंद्र सरकार द्वारा निपुण भारत मिशन के तहत में जो FLN का कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें भाषा शिक्षण और गणित शिक्षण में विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसका टारगेट रखा गया है इसका अचीवमेंट का 31 मार्च 2027, इस संदर्भ में ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो याद रखिएगा भाषाई कौशल का प्रथम चरण जो है वो सुनना है। क्या है, सुनना, भाषाई कौशल का प्रथम चरण जो है वो सुनना है। चलिए नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसे ध्यान में रखिएगा। य, र, ल, व जो होते हैं ये अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। वहीं बाल विकास का विभाजन 3 अवस्थाओं में किया गया है। हिंदी में कुल स्वर की संख्या 11 होती है और शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि जो है वो 85 से कम होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिसे ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है,
यहाँ ऑप्शन है आपके बुद्धि, तर्क शक्ति, भाषा प्रयोग की क्षमता, और चौथा ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। सोचिए कि क्या हो सकता है। थोड़ा सा सर ये कॉमन सेंस जो कहा जाता है उसका ये क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा, बुद्धि, तर्क शक्ति और भाषा प्रयोग की जो क्षमता होती है ये सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है। यहाँ ऑप्शन आपका दिया हुआ है बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था। तो सोचिए कि क्या इसका आंसर होगा, आपके पास 5 सेकंड है। चलिए याद रखिएगा कि मानव विकास में जो शैशवावस्था जो होता है उसमें बच्चे जो है वो सर्वाधिक सीखते हैं, अर्थात सीखने की गति जो होती है वो सर्वाधिक होती है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शैशवावस्था। आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है। ऑप्शन दिया हुआ आपका 2, 3, 4 और 7। आंसर इसका बताइए क्या हो सकता है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। साथ में अगर आपको कुछ भी सुझाव लगता है तो कमेंट्स बॉक्स में सुझाव में अवश्य दीजिएगा, ताकि मैं आगे वीडियो जब भी बनाऊं तो उसमें सुधार कर सकूं। याद रखिएगा, जीन पियाजे ने नैतिक विकास की 2 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। याद रखिएगा, जीन पियाजे जो हैं वो एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिक विकास की 2 अवस्थाओं का उल्लेख किया है, और ये 2 अवस्थाएँ जो हैं उसमें आपका पहला अवस्था है प्रायता नैतिकता की अवस्था, जिसे कहा जाता है स्टेज ऑफ हेट्रोनोमस मोरालिटी, ये होता है बालक का उम्र इसमें 2 से 8 वर्ष। और दूसरा आपका है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था, स्टेज ऑफ ऑटोनोमस मोरालिटी, जिसमें उम्र सीमा होता है 9 से 11 वर्ष। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बढ़ती उम्र के साथ खुद को बढ़ती उम्र के साथ स्वीकारना एक तनाव मुक्त जीवन देता है।